फर्शी का एरिया है ये तो जान का धोखा है। नगर परिषद क्या सोया हुआ है या क्या, बताइए आप। हो रही है, कोई बंदे गिर जाते हैं, किसी का पर्ट उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी की कोई शिकायत वगैरह आपने नगर परिषद से की है? शौचालय है, एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन स्वच्छता की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही है। स्वच्छ भारत नगर परिषद कानपुर, देखो आप ये काका को मजबूरन जो है तो नीचे जाना है। और विशेष बात, इसको लॉक लगा हुआ है, पुरुष साथी जेंट्स के लिए। मैंने मुंह को रुमाल बांध लिया क्योंकि अब मेरी आवाज यहाँ से निकलना मुश्किल। सफाई होना, साफ सफाई कुछ भी नहीं है यहाँ का, हर एरिया में वैसे। प्रशासन की लापरवाही है, ये कैसा प्रशासन है जो लोगों की, जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है कि ये पूरा पेशाब जो है तो रोड पर आकर के ये लोगों के पैरों में। इनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा हाँ, बचा बचा बचा, इधर नजदीक लाओ, नजदीक लाओ। ये फर्शी का एरिया है, ये तो जान का धोखा है। नगर परिषद क्या सोया हुआ है या क्या, बताइए आप, बोलिए। ये क्या हो रहा है कि हाथ भर नाली है, पूरा हाथ भर, हाथ भर से ज्यादा है वो। कितना खोल है मालूम है? ये कम से कम 3 फुट के ऊपर। नहीं, ये कम से कम 6-7 फीट के, 5 फीट के ऊपर दिख रहा है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इससे तकलीफ हो रही है, कोई बंदे गिर जाते हैं, किसी का पर्ट उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये टर्न पर ही है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये शिवाजी नगर का वो एरिया जो पुलिस स्टेशन से बिल्कुल नजदीक है। और बताइए, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कम से कम 5 फीट का गड्ढा है, अगर इसमें पैर किसी का जाता है, किसी लेडीज का खास तौर पे, अब रक्षाबंधन है, बताइए कैसे काम चलेगा। काका कुछ बोलिए आप, बताइए इस गड्ढे के, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी, जब तक आप नहीं बताएंगे पब्लिक को नहीं मालूम पड़ेगा। भोजन गिरते हैं, हमने देखा ना, गिरते हैं। किसी की कोई शिकायत वगैरह आपने नगर परिषद से की है क्या? चलिए, खबर खामगांव के माध्यम से हम ये शिकायत करते हैं कि नगर पालिका को ये हम नोटिफिकेशन में लाते हैं कि ये गड्ढे को जल्द से जल्द बंद किया जाए। अगर लोगों की जान माल की हानि होती तो जिम्मेदार कौन होगा? वो भी लेते सर। देखो ये मंजूर है। देखिए यहाँ पर ये सुलभ शौचालय है, एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन स्वच्छता की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही है। स्वच्छ भारत नगर परिषद कानपुर, देखो आप ये काका को मजबूरन जो है तो नीचे जाना पड़ा। काका दस कष्टी जी, बताइए आप। अच्छा, क्या हम कैसे जाएंगे? इधर से आओ भाई, इधर से अंदर नहीं जाना है आपको, इधर से आके ले लो। कैसे जाएंगे? ये देखिए इतनी बदबू है, और विशेष बात, इसको लॉक लगा हुआ है, पुरुष साथी जेंट्स के लिए। मैंने मुंह को रुमाल बांध लिया क्योंकि अब मेरी आवाज़ यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो ये गंदगी पेशाब की रोड पर आ रही है, और रोड पे ये लोग चल रहे हैं। अब बताओ ये गंदगी में से कैसे चलेंगे लोग? जी काका बताइए, आप कुछ बोलिए। क्या बोलेंगे आप? क्या बराबर खुला तो रखते ही को होना, साफ सफाई होना, साफ सफाई कुछ भी नहीं है यहाँ का, हर एरिया में वैसा ही। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ केवल फर्शी क्षेत्र की हम बात करते हैं, फर्शी परिसर की अगर हम बात करते हैं तो केवल फर्शी ही एक परिसर ऐसा नहीं रहा जहाँ गंदगी का साम्राज्य हो। ये पूरे शहर का हालात यही है कि हर स्वच्छ भारत का जो है तो एक कदम स्वच्छता की ओर धज्जियाँ उड़ रही है। ये कैसी प्रशासन की लापरवाही है, ये कैसा प्रशासन है जो लोगों की, जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है कि ये पूरा पेशाब जो है तो रोड पर आकर के ये लोगों के पैरों में आ रहा है। देखिए यहाँ से कुछ लेडीज भी जा रही है, अब ये गंदगी में से इन लोग को जाना पड़ रहा है। बताइए, शर्म के मारे बात करना भी मुश्किल हो रहा है, बात भी हम कैसे करें, डर के मारे। देखिए रोड इतना चौड़ा भी नहीं है कि किधर से निकले, लेकिन वो कोने से निकलना पड़ रहा है लेडीज लोग को। चलिए, खबर खामगांव से मैं अजहर जमदार, देखते रहिए खबर खामगांव से। ये क्या हालात बना रखे है भाई। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर धज्जियां उड़ रही है।